नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने एशिया कप T20 श्रृंखला अंतर्गत भारत पाकिस्तान मैच में सट्टा करते हुए 4 क्रिकेट सटोरियों को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई हेतु थकानवन थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। कानवन थाना अंतर्गत ग्राम जलोद खेता का रहने वाला अंतिम मकवाना अपने खेत पर बने मकान में राजगढ़ के सटोरियों के साथ मिलकर कर रहा था क्रिकेट के सट्टे का संचालन। चारों आरोपियों के कब्जे से एक LED टीवी, एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 11,460 रुपये नगद, हुंडई ग्रांड i10 कार व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुल मशरू का 7,00,000 रुपये का जब्त किया गया है। जब्त लैपटॉप में क्रिकेट सट्टे का लेन देन का लेखा जोखा भी मिला है। पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह को लंबे समय से जिले में क्रिकेट मैचों के सट्टे के संचालन की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। पुलिस अधीक्षक धार के द्वारा क्रिकेट के सटोरियों पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम नीलेश्वरी डावर, समस्त CSP, SDOP थाना प्रभारियों के साथ साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी त्रिलोक सिंह बेस को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस तारतम्य में क्राइम ब्रांच की टीम ने वर्तमान में चल रहे एशिया कप T20 श्रृंखला के मैचों में खिलाड़ियों पर व टीम के हार जीत पर सट्टे के व्यापार में लिप्त सक्रिय सटोरियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। साइबर क्राइम प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि धार जिले की व्यापारिक राजधानी राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात सटोरिये सौरभ पिता प्रदीप जैन, अयोध्या पिता ओम प्रकाश बेरागी थाना कानवन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जलोद खेता में अंतिम परमार के खेत पर बने मकान में एशिया कप T20 श्रृंखला 2022 के अंतर्गत भारत पाकिस्तान मैच के में चल रहे T20 मैच पर हार जीत का सट्टे का अवैध रूप से संचालन करने बैठे हैं। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठों को अवगत कराकर खेत पर दबिश दी गई, जहां पर 4 व्यक्तियों को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे हाई प्रोफाइल क्रिकेट मैच का सट्टा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम सौरभ पिता प्रदीप जैन निवासी राजगढ़, अयोध्या दास पिता ओम प्रकाश बेरागी निवासी लालबाई माता मंदिर के पास राजगढ़, विवेक उर्फ वैष्णव पिता मनोहर बेरागी ग्राम मांगो थाना अमझेरा, अंतिम पिता रतनलाल मकवाना निवासी ग्राम जलोद खेता थाना कानवन धार बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से अंतिम मकवाना से टीम के द्वारा पूछताछ करने पर स्वयं का खेत व मकान होना बताया। चारों आरोपियों ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे T20 पर हार जीत के सट्टा ग्राहकों से मोबाइल फोन व ऑनलाइन लिंक पर लेना स्वीकार किया। टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से क्रिकेट मैच के सट्टा उपकरण, एक LED टीवी, एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 11,460 रुपये नगद, हुंडई ग्रांड i10 कार CS 59454 नंबर है इसका, अन्य इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनकी कीमत कुल 7,00,000 रुपए है जब्त किए गए। लैपटॉप में क्रिकेट संबंधित सट्टे के लेन देन हेतु बने सॉफ्टवेयर में लाखों का हिसाब किताब पाया गया है। आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना कानवन पुलिस के सुपुर्द किया गया है, जिस पर थाना कानवन पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वही IT एक्ट के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देखें खबर SKP लाइव न्यूज़ पर।